गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माई वीडियो। इन दिस सेशन वी विल कम्प्लीट चैप्टर टू। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर टू, सो लेट स्टार्ट। टूडे वील डिस्कस the different action that we can do with a table, like adding new record, deleting a record, editing records, etc. So let's start with this activity. The design view is the best suited to set data type and properties of the field. डिजाइन भी होता है वो किसी टेबल का डेटा टाइप सेट करना हो या प्रॉपर्टीज फील्ड की सेट करनी उसके लिए सुटेबल होता है, तो ये ट्रू है। डिजाइन भी स्पेशली है, ये इसीलिए हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम The primary key is a field that contains duplicate data from any one of the field in a table. No. Primary key identifies or primary key a field that uniquely identifies a record in a table. वो duplicate नहीं, uniquely जो है वो record को identify करती है। तो ये क्या हो जाएगा दूसरा? False. नेक्स्ट, वैलिडेशन टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट डिस्प्लेड व्हेन द टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी सेट फॉर अ फील्ड इज वायलेटेड। वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है? जब हम कोई वैलिडेशन रूल सेट करते हैं तो अगर वो इनवैलिड होती है तो वो दिखाता है, यानी ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन ओपन और डेटाबेस ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकॉन इन नेविगेशन पेन। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू होगा। जो नेविगेशन पेन दिया होता है वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट किए हो या ऑब्जेक्ट बनाया हो, क्रिएट किए हो, उनका लिस्ट वहाँ होता है। तो वहाँ से हम क्लिक करके नेविगेशन की से ये है नेविगेशन पेन। तो यहाँ टेबल्स, क्वेरीज, इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं टेबल डेटाबेस के, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करके उसको ओपन यहाँ कर सकते हैं। लास्ट, यू कैन नॉट इंटर मोर देन 255 कैरेक्टर इन टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में हम 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं लिख सकते। तो हम पहले डेटा प्रॉपर्टीज में आपको इसको फील्ड डेटा प्रॉपर्टीज में बताया गया होगा कि उसकी साइज एक लिमिट होती है। टेक्स्ट की साइज होती है वो अप टू 255 कैरेक्टर तक होती है। तो ये क्या है? ये भी ट्रू होगा। फिफ्थ है, अभी बाकी रह गया। यू कैन इंटर मोर देन 50,000 कैरेक्टर्स इन अ मेमो फील्ड। सो वी कैन इंटर अप टू 65,535 कैरेक्टर्स। तो ये इतने कैरेक्टर्स आप कर सकते हो। तो ये मोर देन है 50,000, यानी ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आप इसको बुक में फिल कर लोगे, बुक नहीं तो कॉपी पे लिख के इसको फिल करोगे। नाउ
adding new record to a table. How we can add a new record in a table? So if you want to add a new record to a table, first open the required table. सबसे पहले हमको क्या करना है, उस टेबल को ओपन करना जिसमें हमको डेटा को ऐड करना है न्यू. इसके बाद हम उस टेबल को ओपन करने के बाद क्लिक करेंगे होम टैब पे. किस टैब पे? होम टैब. होम टैब के अंदर ये न्यू का एक बटन दिया है. रिकॉर्ड्स ग्रुप में न्यू बटन, होम टैब, रिकॉर्ड्स ग्रुप और न्यू बटन. न्यू बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे एक न्यू रिकॉर्ड का न्यू रो बन जाएगा जिसमें हम अब आप रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं. या सिंपली हम इस न्यू बटन पर क्लिक करके यहां से हम डेटा ऐड कर सकते हैं. तो दो तरीके से हम ये कर सकते हैं. पहला होम टैब रिकॉर्ड ग्रुप न्यू बटन, यानी होम टैब पे जाएंगे, रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं. या दूसरा सिंपली टेबल के लास्ट में न्यू का ऑप्शन होता है तो उस न्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तब भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट एडिटिंग रिकॉर्ड. अगर आप पहले से ही डेटा इंटर कर चुके हो, उस डेटा को हमको या उस रिकॉर्ड को हमको कुछ एडिट करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है तो बहुत ही सिंपल है. क्लिक इन द सेल कंटेनिंग द डेटा दैट वी वांट टू चेंज द एडिट. सब सिंपल सा उस सेल पे हमको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और पिछले डेटा को बैक स्पेस या डिलीट की से डिलीट करके न्यू टेबल न्यू डेटा उस पे इंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट डिलीटिंग रिकॉर्ड. रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे कैसे? सो इफ यू वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड, सेलेक्ट द रिकॉर्ड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये जो ब्राउन एरिया दिख रहा है आपको रिकॉर्ड्स का, इसी पे हम क्लिक कर देंगे. क्लिक करने के बाद होम टैब में डिलीट का ऑप्शन दिया गया है. रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, इस डिलीट पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो वो रिकॉर्ड हमारे टेबल से डिलीट हो जाएगा. क्लियर? क्या करना है हमको, सबसे पहले उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना. सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो ब्राउन एरिया दिख रहा है इस ब्राउन एरिया पे क्लिक करेंगे. जैसे अगर हमको इसको करना होगा सेलेक्ट, तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा. अब होम टैब के अंदर रिकॉर्ड्स ग्रुप में डिलीट का बटन दिया है, डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा. अगर आप इसको डिलीट कर देते हो, मान लो आपने आईडी जो बनाई है किसी टेबल में इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 करके, और इस 3 को डिलीट कर देते हो तो अब ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा. आपका जो रिकॉर्ड होगा इस तरीके से दिखेगा 1, 2, 4, 5. ये 3 जो ऑप्शन होगा वो हमने डिलीट कर दिया तो वहाँ दिखेगा नहीं. तो ऐसा नहीं कि हाँ 1, 2, 3 ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, नहीं, वो ब्लैंक रहेगा. ब्लैंक नहीं रहेगा, वो यहाँ
हमको दिखेगा नहीं वो, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से नंबरिंग हमारी अब ऐसे न रह के इस तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 4 न हो के 1 2 4 5 हो जाए, क्योंकि 3 को हमने क्या कर दिया था, डिलीट। नेक्स्ट चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड, डेटा टाइप फील्ड का चेंज कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द फील्ड हो डेटा टाइप यू वांट टू चेंज। सबसे पहले हमको उस डेटा फील्ड को सेलेक्ट करना है जिसका डेटा टाइप हमको चेंज करना है। अब हम डेटा टाइप फील्ड टैब में डेटा टाइप ग्रुप होता है, सेलेक्ट करने के बाद फील्ड टैब में जाएंगे। किस टैब में, फील्ड टैब, फील्ड टैब में डेटा टाइप का एक ऑप्शन होगा, वहां से हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, तो आप कर लोगे। क्या करना है डेटा टाइप चेंज करने के लिए, सबसे पहले फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे जिस फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है, फिर फील्ड टैब में डेटा टाइप ऑप्शन पे क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग डेटा इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, किसी डेटा को अरेंज करना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर, तो वो कैसे हम करेंगे, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। टेबल के, ये टेबल है तो रिकॉर्ड्स में आप देखो ये इस तरीके के, ये एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है इस तरीके से हर एक फील्ड पे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी करना हो सॉर्ट करना हो हमको, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिस तरीके से भी करना होगा जिस भी ऑर्डर में वो हम यहाँ से कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि हम होम टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में असेंडिंग या डिसेंडिंग का ऑर्डर दिया है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ये असेंडिंग या डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे तो उस ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो दो तरह से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, पहला कि ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन जिस भी ऑर्डर में करना होगा, या सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होम टैब के उससे हम ये कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके यहाँ, और असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो इस पर क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करना होगा तो दूसरे ऑप्शन का, तो ये डेटा जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाएगा किसी भी एक ऑर्डर में जो ऑप्शन यहाँ से हम सेलेक्ट किए रहेंगे। ओके लास्ट परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है,
जब हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा तो हम सबसे पहले डेटा को ओपन करेंगे डेटा शीट व्यू में, यानी जो व्यू अभी दिख रहा है इस व्यू में अभी हम उसको ओपन करेंगे। ये डेटा शीट व्यू है। अब डेटा शीट व्यू में ये टोटल्स का बटन दिया है, टोटल्स का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। इस पर क्लिक कर देंगे हम, यहाँ एक्सेल की तरह बहुत सारे फंक्शन आएंगे। अब उस फंक्शन से हमको जो करना हो वो हम कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो जो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में यूज किए हैं, आप उस तरीके से यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है हमको, उसको डेटा शीट व्यू में टेबल को ओपन करना है और होम टैब में रिकॉर्ड्स ग्रुप के एक टोटल्स बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल बटन से जैसे क्लिक करोगे तो ये जो आपका टेबल है उस टेबल के नीचे एक टोटल का न्यू रो इंसर्ट होगा और उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए होंगे, सम, एवरेज, काउंट, इस तरीके से। तो जो भी फंक्शन यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके तो इस वीडियो को देख लो, बाकी सारे वीडियो को देख लो, ताकि चैप्टर 2 जो हो वो पूरा क्लियर हो जाए, फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।